ब्रेक के बाद आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपका भी प्रतिष्ठा जी एक बार फिर स्वागत। धन्यवाद। तो हम योग पर बात कर रहे थे और हमने आपने इस चीज़ के हमें जानकारी दी कि इट शुड बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर क्यूरिकुलम। जी। तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर ये स्कूल कॉलेजेस में योग हमने सिखाना है तो हमें तो बहुत सारे योगाचार्यों की आवश्यकता पड़ेगी पूरे भारतवर्ष में, और अभी हमारे पास में उतने योगाचारी नहीं है। अगर योगाचारी है तो वो मैक्सिमम जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज पर फोकस करने वाले हैं। पूरा जो आपका कंप्लीट प्रोसेस है, यम नियम आहार, उसको पूरा करने वाले लोग नहीं है। बिल्कुल। टेलीविजन के माध्यम से भी जो योग सिखाते हैं वो भी योग सिखाते हैं, साथ साथ में वो एक्सरसाइज का पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कैसे ये डिमांड एंड सप्लाई का जो ये गैप है ये कैसे पूरा होगा और भारत सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या स्कीमें लानी चाहिए? जो अभी बहुत सारे स्वयंभू योगाचार्य हैं जी, तो जी। उनका नियंत्रण कैसे होगा? क्या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी पड़ेगी हमारे को भारत लेवल पर, या आप जैसे योगाचार्य मिलके कोई संगठन बनाए जिससे इनका नियंत्रण? क्योंकि अगर लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान, ये तो बहुत ही फेमस मैक्सिम है जी। तो किस तरीके से ये होगा? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि योग आचार्यों की कमी है जी, पर हाँ उनके पास उतना काम नहीं था जो अब सरकार उनको दे भी रही है। साथ में आपने बहुत सुंदर बात कही कि क्या ऐसी कोई कमेटी गठित करे गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट कर चुकी है। गवर्नमेंट लेवल पर बहुत काम हो रहा है, खासतौर पे एक इंडियन योगा एसोसिएशन पूरी बनाई गई जिसमें मोक्षायतन भी उसका एक अंग है, पूज्य गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी हैं और सारे योगाचार्य उसमें, जो जितने भी ये लीडिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ योग हैं वो हैं। उससे भी ऊपर एक आपने बड़ी अच्छी बात की, स्वयंभू योगाचार्य, तो उस पर एक रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने आयुष मंत्रालय के द्वारा QCI यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की एक स्कीम निकाली, वॉलंटरी सर्टिफिकेशन ऑफ योगा प्रोफेशनल्स, जिसमें कि जो जैसे MA किया है किसी ने योग में, किसी ने जो है एक साल का डिप्लोमा किया है, किसी ने सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से सीखा है, क्योंकि ये तो वो विधा है जिस पर सर्टिफिकेट के ठप्पे तो अब लगने लगे, पहले तो गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखा जाता था, चाहे वो शास्त्रीय नृत्य है, संगीत है, योग है। तो QCI का एक टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। तो हम खुद QCI के मेंबर हैं, जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके मेंबर हैं, और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम जितने भी योग से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं उनसे ये उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर अपीयर करें, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स अब योग की हैं वो इस एग्ज़ाम को क्लियर किए बिना नहीं मिलेंगी। यानी चाहे वो विदेश में गवर्नमेंट के थ्रू, हम मिनिस्ट्री के थ्रू जा रहे हैं, ICCR के थ्रू जा रहे हैं, या फिर हम यहाँ इंडिया में ही जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके लिए करते हैं, तो जो योग टीचर्स हैं जिन्होंने QCI का एग्जाम नहीं क्रॉस किया है वो उसके लिए फिर एलिजिबल नहीं होंगे। तो एक बहुत बड़ी पहल है जिससे कि हम एक चेक लगा पाएंगे कि ये जो ज्ञान है ये सिर्फ सर्टिफिकेट तक ही है या आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। तो प्राइवेट के लिए भी तो इट शुड बी कंपलसरी फॉर प्राइवेट सेक्टर? अभी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कंपलसरी नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से अगर कोई योग सिखाता है तो वो तो फिर हानिकारक होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए किया जा रहा है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ये स्कूल्स के करिकुलम में आता भी है तो भी हमें ये भी ध्यान रखें, क्योंकि पीछे ऐसा भी कुछ सुनने में आया था, कहीं ये ना हो जाए कि 20% थ्योरी और 80% प्रैक्टिकल, यानी दोनों का जो है सामंजस्य बना रहे। फिलॉसफी पार्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और वो नहीं है तो फिर तो योग सिर्फ कसरत ही रह जाएगा। जी जी जी। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न इसके साथ में जुड़ा हुआ है, जो ये योगाचार्य रहेंगे जिनको आपने कहा कि गवर्नमेंट भी उनको जॉब्स देगी और QCI का एग्जामिनेशन भी उनको पास करना होगा, तो जो बच्चे सीखते हैं स्कूल्स में कॉलेजेस में, तो उसका सिलेबस भी गवर्नमेंट ने तैयार किया है? जी जी। कुछ उनने CBSE ने अपने सिलेबस में ये डाला है कि अभी डालने वाले हैं क्योंकि अभी ये अंडर प्रोसेस है कि हम स्कूल्स के लिए इसको कंपलसरी करें। एक दो स्टेट्स में ये हो भी चुका है, ऑलमोस्ट शुरू, लेकिन अभी
पूरे जो है नेशनल लेवल पर होना बाकी है, उस पर काम चल रहा है। नेट के लिए जो है योग, देखिए कितनी सुंदर बात है कि 91 में जब पूज्य गुरुदेव को योग में वो प्रथम पद्मश्री से सम्मानित हैं और जब उन्हें पद्म अवार्ड हुआ था तो उससे पहले योग को पद्म अवार्ड्स की कैटेगरी में ही नहीं रखा जाता था। तो ये उनके लिए तो उपलब्धि थी ही थी, ये योग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि वहाँ से जो है योग एक पद्म अवार्ड्स का की कैटेगरी में आया। ऐसे ही उन्होंने ही आरंभ किया कि हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन में योग को लाएं और उन्होंने उसके लिए बहुत प्रयास किए। इसी प्रकार से उन्होंने आर्मी के लिए योग को लाने के बड़े प्रयास किए। हमें अभी भी याद है कि जब वो इस जंग ही कहूँगी इसमें थे कि आर्मी के लिए योग को लाया जाए तो उनसे पूछा गया कि अरे आर्मी वाले तो बिल्कुल फिट होते हैं, उनको योग की क्या आवश्यकता है। तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि योग का जो सबसे बड़ा लेसन है वो रणभूमि के मैदान में हताश निराश शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को दिया गया, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् योगी भवः अर्जुनः, तू उठ और अपने शस्त्र उठा, अपना कर्म कर। तो इसलिए योग हर किसी के लिए अनिवार्य है। योग का अर्थ ही है योगः कर्मसु कौशलम, फुल परफेक्शन इन योर वर्क इज योग। अगर हम छोटे छोटे बच्चों में योग की शिक्षा को डाल दें तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक परफेक्शनिस्ट बन करके ही निकलेंगे। चाहे हम योगीराज शिव की बात करें, चाहे योगेश्वर कृष्ण की बात करें, तो करिकुलम में इसको आना चाहिए। उसका बिल्कुल एक सिलेबस बनेगा, जिस तरह से नेट का सिलेबस है, यूजीसी का सिलेबस है, यूनिवर्सिटीज़ में एमए के कोर्सेज हैं उसका सिलेबस है, उसी प्रकार से एक स्टैंडर्ड सिलेबस सबके लिए बनाया जाएगा। अब तो कॉमन प्रोटोकॉल, हम डायबिटीज़ तक के लिए कॉमन प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने निकाली, मैं भी उसकी मेंबर थी, मेरा ये सौभाग्य है कि उसकी मेंबर थी। हमने एक कॉमन प्रोटोकॉल बनाया जो फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष मंत्रालय पर, वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है कि जितने लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सपना कि हम एक डायबिटीज़ मुक्त देश बनाएं और उसकी ओर हम अग्रसर हैं। और सिर्फ डायबिटीज़ मुक्त ही क्यों, हम तो कहते हैं हमारे मुनियों का यही सपना है कि हम डिजीज यानी फिजिकल और मेंटल डिजीजेस से मुक्त एक भारत का निर्माण करें। और भारत पहले भी विश्व गुरु था, अभी भी विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, निश्चित रूप से बनेगा। और आप जैसे लोगों के माध्यम से इतने अच्छे कार्यक्रम लोगों तक पहुंच रहे हैं तो वो एक शुरुआत हो चुकी है, उसकी ओर हम सभी अग्रसर हैं। इसमें आचार्य प्रतिष्ठा जी, इसमें एक और हमें एक हर्डल दिख रहा है, जब हम योग को स्कूल्स कॉलेजेस में एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, योगाचार्य पढ़ाएंगे, तो बहुत सारे समुदाय के अलग अलग मज़हब के लोग वहाँ पढ़ते हैं जी। तो हमें हमारा एक माइंडसेट बन चुका है कि वो ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है और ये हिंदू है, जबकि हमारे शास्त्र कह रहे हैं वसुदेव कुटुंबकम, बिल्कुल पूरा वर्ल्ड ही एक परिवार है, यत्र विश्वम् भवति एकं नीडम्। अब तो ये हो चुका है, इसमें तो ये माइंडसेट बन चुका है, थॉट प्रोसेस बन चुका है, ये पॉलिटिशियंस की वजह से बना, सोशल स्ट्रक्चर की वजह से बना, हमारे आचार्यों की वजह से बना, ये इस पर तो ये चर्चा इस वक्त करना कोई ये नहीं है। लेकिन अब ये इस हर्डल को हम कैसे पार कर सकें, कैसे हम एक मुस्लिम समुदाय के बच्चे को विश्वास दिलाए, उनके पेरेंट्स को विश्वास दिलाए कि आपका बच्चा अगर योग सीखता है तो वो कन्वर्ट नहीं होगा या वो किसी और मजहब का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है या पूजा नहीं कर रहा है, कैसे हम क्रिश्चियन को ऐसा हम विश्वास दिला सके। देखिए पहली चीज तो ये है कि योग में हम पूजा करते ही नहीं जी, है ना। योग एक सिंपल सा साइंस है और मैं ये नहीं मानती कि एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ सोसाइटी योग को नहीं अपनाता है, क्योंकि हमारे आश्रम में हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी के लोग आते हैं, योग की साधना करते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं। इवन जब हम चैनल्स पर बैठ करके डिबेट करते हैं, मैं खुद डिबेट करती हूँ, तो जब हम बाहर निकलते हैं डिबेट से तो फिर वही लोग जो एंटी डिबेट कर रहे थे वही कहते हैं कि वो डायबिटीज़ वाली सीडी भिजवा दीजिएगा, आजकल शुगर बढ़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, हर कोई योग कर रहा है आज की स्थिति में, कोई कमरे से बाहर पार्क में कर रहा है तो कोई कमरे के अंदर कर रहा है, लेकिन कर सब रहे। कोई रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, नहीं रिलीजन से तो सबसे बड़ा लेना देना है, क्योंकि योग ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे जब हम नमाज पढ़ते हैं तो आप पूरा योगिक पोस्चर्स को फॉलो करते हैं, आप जिसे हम कन्फेशन कहते हैं, आप अगर क्रिश्चियनिटी की भी बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन को हम योग ही कहते हैं, आप इस्लाम की बात करें तो वस्ल और दीदार वो योग ही है, और हम हिंदुइज्म की बात करें तो आत्म साक्षात्कार। यानी कि योग का सीधा सीधा सा अर्थ है कि संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, यानी ज्वाइनिंग
योर पर्सनल सोल टू यूनिवर्सल सोल। जब हम कहते हैं कि खुदा जो है सातवें आसमान पर रहता है, तो ये सात चक्र ही हैं और यही सातवें पर ही खुदा रहता है। तो अगर चीज़ों को समझाया जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इससे डिनाई करेंगे, लेकिन हाँ, सत्ता अगर हम करना चाहें तो हम किसी भी चीज़ पर कर सकते हैं। तो योग जो है वो पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, योग एक विज्ञान है जो हमारी अपने आप से पहचान करा सबके लिए, सबके लिए। आप देखिए ना, हर इंसान चाहे वो किसी भी मजहब से है, किसी भी धर्म से है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ, सबसे पहली चीज हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उसको हमारे शास्त्रों में कहा गया कि दुखत्रह निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च, यानी हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, हम सुखी होना चाहते हैं। ऐसा कोई किसी धर्म का व्यक्ति, किसी उम्र का व्यक्ति नहीं जो ये कहता है मेरे जीवन का उद्देश्य मैं दुखी होना चाहता हूँ, है ना। और ये जितने तामझाम हम फैलाते हैं, हम सुखी सुख को पाने के लिए ही फैलाते हैं, लेकिन योग सुख से भी एक स्टेप आगे की बात करता है और वो है आनंद। तो हम सब आनंदित होना चाहते हैं, अपने में स्थित होना चाहते हैं, और दुखों का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हम एक टेम्प्ररी लाइफ में परमानेंट चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। एक परमानेंट घर हो जाए, एक परमानेंट गाड़ी हो जाए, बस परमानेंट जॉब लग जाए, तो जीवन में कोई दुख नहीं है। लेकिन फिर एक दिन भूकंप आता है और हमें रियलाइज होते कि अरे हम तो खुद ही टेम्प्ररी हैं। योग में पांच क्लेश बताए गए और उसमें भी जो अभिनिवेश है वो यही सिखाता है कि आप आज जो आज अभी इस स्थिति में खुश नहीं रह सकता, वो कभी कहीं किसी भी स्थिति में खुश नहीं रह सकता। टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको आप जी तभी सकते हैं जब आप योग की शरण में आते हैं। और योग से बड़ा ना कोई अध्यात्म है, योग ही है जो हमें सुख की ओर भी अग्रसर करता है, आनंद की ओर भी अग्रसर करता है। और फिर मैं कहने को, मैं तो इंसान हूँ हाँ, लेकिन मैं कहूँ कि मैं हिंदुइज्म को फॉलो करती हूँ, मैं कहती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कह देने से ना मेरा धर्म खंडित होगा, और अगर हो जाए तो यानी फिर कहीं कोई कमी है। तो कुछ कह देने मात्र से, कुछ कर देने मात्र से, धर्म एक बहुत बड़ी आस्था का विषय है जो इन छोटी छोटी चीज़ों से कभी टूट नहीं सकता है। तो अपने लिए योग के द्वार सबके लिए खुले हैं, सब योग को अपनाएं और जीवन में सुख पाएं। जी, एक और प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ है जी। क्या एक स्टेज से योग और दवाइयाँ बिक सकती है जी? क्या एक दुकान से शराब और दूध बिक सकता है? अगर योग है तो फिर दवाइयाँ क्यों बेच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। योग का अर्थ ही है कि दवाई मुक्त होकर के हम जीवन जिए। तो आई कम्प्लीटली अग्री कि एक ही जगह से योग और दवाई दोनों चीज़ें नहीं, वैसे तो योग ही नहीं बिक सकता, सबसे बड़ी चीज़ तो योग बेचने की चीज़ है ही नहीं, योग तो अपनाने की चीज़ है। और ज्ञान जो है उसको हम बेच नहीं सकते हैं। और जहाँ तक दवाइयों की बात है, हाँ, योग में आहार एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आहार बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी अपनी ही रसोई में इतनी चीज़ें हैं, जब आप योग को अपनाते हैं तो आपको पता लगता है कि अरे ये करके मैं ठीक हो सकता हूँ। कुछ समय पहले तक हमें जब भूख लगती थी तो हम घर की ओर भागते थे, और जब पेट में गुड़गुड़ होती थी तो बाहर की ओर जाते थे। अब पूरा रिवर्स हो गया, जब हमें भूख लगती है हम बाहर की ओर भागते हैं, और जब पेट में गुड़गुड़ होती है तो घर की तरफ आते हैं। तो घर की तरफ आना इज़ ओके, क्योंकि हम तो स्वच्छता की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जितने भी स्टाइल्स ऑफ फूड जिसे हम जंक कह देते हैं या रखा हुआ भोजन है, सात्विक आहार का हम पालन करें, हमें दवाइयों की आवश्यकता ही शेष नहीं रह जाएगी। आपकी अपनी रसोई में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, आपके घर में, आपके इनफैक्ट रसोई की भी अगर हम बात नहीं करते, योग कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर देखिए विकार कहाँ से आते हैं, बीमारी कहाँ से आती है। कोई आके आपको थोड़े ना डायबिटीज़ दे गया, कोई बाहर से इंजेक्ट करके तो डायबिटीज नहीं दे गया, हमने अपना संतुलन बिगाड़ा, शुगर लेवल बढ़ाया, डायबिटीज हो गई, है ना, हमने सांस ठीक से नहीं लिया, अस्थमा हो गया। हम दवाइयों से ना हमने बीमारी को लाया ना हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सुप्रेस कर सकते हैं, हाँ, आप जब तक पैंक्री आप मतलब इंसुलिन ले रहे हैं आप ठीक है, आप छोड़ देंगे तो फिर गड़बड़, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, इनहेलर्स ले रहे हैं, आप ठीक है। लेकिन योग कहता है कि आपके सिस्टम के अंदर हीलिंग पावर्स हैं, और आप उन हीलिंग, चाहे हम उन्हें चक्र कहें, कुंडलिनी कहें या प्राण कहें, हम उन हीलिंग पावर्स से अपने आप को हील कर सकते हैं। तो इसलिए दवाई मुक्त होने के लिए ही तो योग है। जो योग हम सिखा रहे हैं तो वो गलत तरीके से भी सिखा रहे हैं, क्योंकि अगर वही लोग जो सीख रहे हैं वो अगर बीमार हो रहे हैं, उनको डिपेंडेंसी हो रही है मेडिसिन पर, तो क्या ये भी कह सकते हैं कि हम उनको गलत तरीके से योग सिखा रहे हैं? इसको हम ऐसे कहें कि देखा देखी साधे योग, छीजे काया
बाढ़ रोग जी, यानी कहते ना अरे योग से चमत्कार होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, दोनों होते हैं है ना, क्योंकि विज्ञान है। आप गलत दवाई ले लेंगे तो नुकसान होगा, तो इसी तरह से आप गलत अभ्यास कर लेंगे तो नुकसान होगा। हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो एक हफ्ते में वही जो स्वयंभू टीचर हैं उनसे कर लिए हैं और फिर जो है बीमारी हो गई। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण, आपको जो एस्थमा के लिए प्रैक्टिस करना है वो एक्सपेंशन ऑफ लंग्स करना है, उसमें आप बैकवर्ड बेंडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आपको है कमर दर्द, तो आप अस्थमा के लिए गए, अस्थमा की चीज आपने सीख ली पर कमर दर्द का जिक्र नहीं आया, तो अस्थमा तो ठीक होना शुरू हो गया, कमर दर्द बढ़ना शुरू हो गया। इसीलिए कहा गया कि गुरुपदिष्ट मार्गे इन योग में व समभ्यसेत, गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही योग को अपनाना चाहिए, सीखना चाहिए। हम खुद, मैं अब तक 30 से ज्यादा टेलीविजन शोज योग के दे चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने हर कार्यक्रम में यही कहती हूँ कि आप उतना ही करें जितना बताया जा रहा है। ये नहीं समझे कि टेलीविजन के माध्यम से, मैंने 5 किताबें लिखी हैं, पर हम कहते हैं कि सिर्फ किताब के माध्यम से आप नहीं सीख सकते हैं, उसके लिए आपको गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन की ही आवश्यकता है। इसीलिए हम तो उस संस्कृति के हैं जो गुरु शिष्य परंपरा की संस्कृति है, यानी सिर्फ किताबों से या वीडियो से योग को नहीं सीखा जा सकता है। भारत में कुछ लोग महर्षि पतंजलि का नाम यूज कर रहे हैं जी, और विडंबना है जीन्स के ऊपर, बिस्किट के पैकेट्स के ऊपर, चाय के ऊपर, दवाइयों के ऊपर और हर चीज़ पर, साबुन के ऊपर। आपको ये किस हद तक सही लग रहा है, क्या आपको सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, पहले ये बताइए। देखिए, हम तो इसे ऐसे देखते हैं कि हर किसी की अपनी अपनी यात्रा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैं बहुत छोटी सी थी तो हमारे पूज्य गुरुदेव गुरु पूर्णिमा पर उनके पास 3 उनके शिष्य आए हुए थे, बहुत इनिशियल डेज में थे। आप मतलब ये समझिए इस वक्त गुरुदेव वो हैं कि योग से जुड़ा हुआ जो भी इस जनरेशन में आप देख रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं उनसे सीख करके निकले हैं। तो 3 उनके शिष्य थे, तो तीनों बड़े दुखी थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि योग जो है हमें क्या देगा गुरुजी, योग क्या देगा। तो गुरुदेव ने बड़ी सुंदर बात कही, गुरुजी ने कहा योग जो चाहो वो देगा, यू हैव टू चूज कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें यश चाहिए, तुम्हें यश मिलेगा। तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें धन मिलेगा। तुम्हें संतोष चाहिए, तुम्हें संतोष मिलेगा। चॉइस आपकी है। उन तीनों में जो है जिसको धन चाहिए था धन भी मिला, जिसको यश चाहिए था यश भी मिला, जिसको संतोष चाहिए था संतोष भी मिला। तो योग विद्या ऐसी विद्या है जिससे आप जो चाहे पा सकते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी यात्रा है, वो अपनी यात्रा पर चल रहा है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स भी वही झेल रहे हैं जो उस यात्रा पर चल रहे हैं, यानी गंतव्य निर्धारित है तो हम अपनी यात्रा पर चलते जाते हैं और जो प्राप्त करने योग्य है और जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें मिलता चला जाता है। फिर भी एक महर्षि का नाम अगर हम बिजनेस के साथ जोड़ेंगे, कमर्शलाइज करेंगे, तो वो उनके उनके लिए तो अच्छा नहीं है, उनके उनके लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे हिंदू शास्त्र के लिए भी अच्छा नहीं है। आप देखिए, आज के 50 साल के बाद जो लोग आएंगे, बच्चे पैदा होंगे, तो वो क्या समझेंगे? वो तो ये समझेंगे कि हो सकता महर्षि पतंजलि खुद बिजनेस में रहे हो और ये उनकी पीढ़ी आगे बढ़ रही है। राइट, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। ये तो हाईजैक हो गया किसी के नाम का, एक महर्षि के नाम का हाईजैक हो गया। ये भी हो सकता है, वो सबके हैं ना। बिल्कुल है, सबके हैं। ये भी हो सकता है कि बच्चे सोचे वो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि एटलीस्ट उन बच्चों तक वो नाम तो पहुंचा। तो हम दोनों पहलू को देखें कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो क्या जो योगाचार्य भारत के हैं उनको एक PIL लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि ये नाम मिसयूज ना करें? हमें लगता है कि क्योंकि योग जो है, योग का उद्देश्य कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं है। योग आनंद की बात करता है और जो योग अभ्यासी भी हैं, हाँ हम समाज के लिए कार्य करते हैं। जहाँ अब देखिए ना, पिछले कुछ दिन पहले हमें कोर्स की डिस्कशंस कर रहे थे और उस कोर्स में हमने अनुभव किया कि बहुत बड़ा वो कोर्स था और उसमें छोटे से कॉलम में जितने लोगों ने कोर्स बनाया उन्होंने अपना अपना फीडबैक दिया, नहीं नहीं डाल दिया कि बच्चों के लिए वो अनिवार्य हो जाए। तो वहाँ गुरुदेव ने बात भी की, गुरुदेव को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि जब हम एक पारंपरिक चीज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें कंटेम्प्रेरी को क्यों आप डालना चाह रहे हैं, लेट देम स्टडी द ट्रेडिशनल पार्ट। उनके लिए अनिवार्य मत कीजिए कि उन्हें क्या करना है, उन्हें छूट दीजिए, ये ट्रेडिशनल है, अब तुम्हारे पास ये ऑप्शंस हैं, तुम जिस ऑप्शन पे जाना चाहो। तो जहाँ किसी चीज़ के साथ गलत हो तो उसके लिए आवाज़ उठाना भी योगी का ही कर्म होता है। लेकिन मैं जैसा मैंने कहा कि सबकी अपनी यात्रा है और अपनी यात्रा पर चल रहे हैं,
तो हम उसके पॉजिटिव्स को भी देखें, नेगेटिव्स को भी देखें और सोच समझ करके विचार करें, हम अपनी यात्रा पर चलें कि हमारा उद्देश्य है योग का जो पारंपरिक रूप है वो खंडित नहीं होना चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज योग से जुड़े हुए लोग, मैं तो उन्हें योग से जुड़े हुए भी नहीं कहूँगी, योग इवेंट्स कराने वाले लोग ये कहने लगे हैं कि भाई जो कर रहा है उसे करने तो दो, लेकिन जो कर रहा है के नाम पर रोमांस योगा, न्यूड योगा, हॉट योगा, स्टीम योगा, गलत है, जो गलत है वो गलत है गलत और उसका खंडन होना चाहिए, उसका आवाज़ उठानी चाहिए। आप प्रतिष्ठा जी, योग पर आगे और थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं कि योग का जो एसोसिएशन है, एक तो भौतिकवाद से एसोसिएशन है और एक हमारा आध्यात्मिकवाद से एसोसिएशन है। एसोसिएशन मैं बना रहा हूँ, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि एक बच्चा जो है, कोई व्यक्ति आज जिसकी आयु 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, तो उनको दोनों चीज़ें चाहिए, उसको मटेरियल वर्ल्ड भी चाहिए और वो अपनी शांति भी प्राप्त करना चाहते हैं। हम उसको अगर ये बताएंगे कि नहीं यार ये सब बकवास है, तो फिर हम उसको ये बता रहे हैं कि आप कर्मों से पीछे हट जाओ, कर्म मत करो, आप पढ़ाई मत करो, आप नौकरी मत करो, पैसा मत कमाओ, उधर से हम कह रहे हैं कि चार पुरुषार्थ है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो हमें ये मानना चाहिए कि मटेरियलिज्म भी आवश्यक है जीवन जीने के लिए और आध्यात्मिकता भी जरूरी है, तो योग दोनों को कैसे इंटीग्रेट करेगा, क्या ब्रिज बनाता है? योग ही करेगा, ये इतना सुंदर प्रश्न है, सिर्फ और सिर्फ योग ही इन दोनों को मिला करके चल सकता है। योग हमें क्या सिखाता है? पहली चीज तो संन्यास क्या होता है, या विरक्ति क्या है? तो योग ये कहता है कि इफ यू हैव अ फेरारे एंजॉय इट, इफ यू डोंट हैव अ फेरारे स्टिल एंजॉय इट। यानी कि जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य, मैं अपना उदाहरण आपको देती हूँ, जब मैं यंग एज में थी, हमें बड़े फिल्मों से ऑफर आए, हमें मुंबई से बहुत ऑफर आए क्योंकि हम जो है शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में थे, लेकिन वो जो अनुभूति जब हमने अपने गुरु से दीक्षा ली, उनके गंठा बने हुए शागिर्द बने, तो हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि जीवन का उद्देश्य कुछ और है, जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, और फिर वो एक अलग रास्ते पर हम चल पड़े। हम विवाह नहीं करना चाहते थे, हमने अपने पूज्य पिताजी से बहुत दिन इस पर डिस्कस किया कि हम चाहते हैं कि हम संन्यास लें, हम नहीं चाहते कि हम विवाह करें। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात की जो आपके कार्यक्रम के माध्यम से हम दर्शकों तक भी पहुँचाना चाहेंगे। जरूर। उन्होंने कहा, कंदराओं में रह कर के साधना तुम कर लोगी, लेकिन असली साधक वो है जो घर गृहस्थी में रह करके, डिस्ट्रैक्शंस में रह करके, यानी उधर से जो है पति चिल्ला रहे हैं, बच्चा चिल्ला रहा है, उन सब में रहते हुए भी जीवन के उद्देश्य से विमुख ना हो। यानी हम संसारिक होकर के भी आध्यात्मिक हो सकते हैं और आप सन्यासी होकर के भी सांसारिक हो सकते हैं। ये जो अपराधी है 24 घंटा, उसके मन में भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी 24 घंटे में एक बार प्रभु का स्मरण आता है, एक बार अच्छे कर्म करने का भाव आता है। और ये भी नहीं है कि 24 घंटे के लिए कोई विरक्त हो, यानी जो 24 घंटे के लिए विरक्त है उसमें भी कहीं ना कहीं एक बार संसारिकता की ओर आप जाते हैं। योग इज बैलेंस। वो परमपिता परमेश्वर गृहस्थी हैं, ये पूरा संसार उनकी गृहस्थी है। हमारे जितने योगी हुए, चाहे हम योगीराज शिव की बात करें वो गृहस्थी थे, हम श्री कृष्ण की बात करें वो गृहस्थी थे, तो गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने योग को अपनाया और हम वही बैलेंस यंग जीवन में हम देखते हैं। जैसे सत्य का पालन है ना, तो हम जब सत्य समझाते हैं अपने शिष्यों को तो हम उन्हें ऐसे ही समझाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं गए और सच बोल के पिट करके आ गए। हमारे शास्त्रों में बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ से आप इजीली रिलेट करते हैं। कहा गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन जो अप्रिय सत्य हो मत बोलो, लेकिन झूठ ब्रूयात नहीं कहा गया। हाँ, तो हम कहते हैं कि एक सज्जन यहाँ खड़े हैं और वो योगी भी हैं और उनके आगे से गाय गई तो पीछे कसाई जो है वो लेकर के आ रहे हैं अपना हथियार और वो उनसे पूछते हैं कि भाई तुमने गाय को यहाँ से जाते हुए देखा है? तो अब उसके आगे दो चीज़ें हैं, गौ रक्षा भी करनी है, सत्य का पालन भी करना है। अगर बता देंगे जाते हुए देखा है तो गाय की रक्षा नहीं होगी, और कह देंगे कि नहीं देखा है तो झूठ बोल देंगे। अब दोनों चीज़ों में कैसे सामंजस्य करें? तो ये योग हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड देता है कि वो यहाँ खड़े थे, एक स्टेप आगे बढ़े, बोले भैया जब से यहाँ खड़ा हूँ तब से तो नहीं देखा है ना। तो डे टू डे लाइफ में हम योग को अपनाते हैं तो हम बैलेंस बनाते हैं भौतिकता की ओर भी और आध्यात्मिकता की ओर भी। गृहस्थ में रहते रहते, संसार में रहते रहते, यानी ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि हम जो है सेलिबेसी का पालन ही कर रहे हैं,
ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि हर कर्म में हम उस ब्रह्म का आचरण करें, ये सोचें कि करने कर्ता मैं हूं ही नहीं, ये तो वो मुझसे करवा रहा है। जहां ये भाव आपके अंदर जागृत हो जाता है तो आप संसार में रहते हुए भी बड़े आनंद से आध्यात्मिक हो सकते हैं। जी जी, तो बहुत सुंदर चर्चा रही दूसरे सत्र में आचार्य प्रतिष्ठा जी के साथ में। हमने इस सत्र में जाना किस प्रकार से डिमांड और सप्लाई योगाचार्यों की पूरी हो सकती है भारतवर्ष में। प्रतिष्ठा जी ने हमें जानकारी दी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है और उन्होंने पहले से ही सिलेबस बनाना शुरू किया है, और जो भी अब योगाचारी होंगे जिनको गवर्नमेंट जॉब्स की आवश्यकता है इंडिया में या इंडिया के बाहर, उनको QCI का एक एग्जामिनेशन होगा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन होगा, वो पास करना होगा, उसके बाद ही उनको गवर्नमेंट में नौकरियां मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और जो बड़े प्रसिद्ध योगाचार्य है जो गुरु परंपरा से आए हुए हैं, गुरुकुल की परंपरा से आए हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि प्राइवेट में भी किस तरीके से कंट्रोल हो सके, इस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए ताकि गलत तरीके से योग को हम किसी को भारत में न सिखा सके। इस सत्र में हमने ये भी जाना कि जो योग है वो एक कंप्लीट बैलेंस है, जुडिशियस बैलेंस है आध्यात्मिकता और भौतिकवाद पे। मटेरियल वर्ल्ड तो जीना पड़ता है, अगर हम गृहस्थी है तो हमें व्यवहार करना पड़ता है, हमें धन भी कमाना है, बिजनेस भी चलाना है, नौकरी भी करना है, शादी भी करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों की शादी भी करनी है, यही गृहस्थ है हमारा, और फिर अंत में हम मर जाते हैं। तो इस व्यवहार को चलाने के लिए हमें अगर योगी बन के ये व्यवहार चलाएंगे तो सही रहेगा, सक्सेसफुल हम रहेंगे, हमारे डिसीजन मेकिंग सही रहेगा, हमारा जो विजडम है वो इम्प्रूव होगा, और हम अच्छे और बुरे में कंपैरिजन कर सकते हैं और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद में ये कार्यक्रम जारी रहेगा।